हेलो दोस्तों, इंग्लिश फैक्ट्स में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो ऐसी डॉग ब्रीड्स को जो कि सिर्फ कोल्ड क्लाइमेट के लिए बनी है, अलास्कन मैलाम्यूट और साइबेरियन हस्की। इन दोनों डॉग ब्रीड्स की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में बात करें तो अलास्कन मैलाम्यूट का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स से है और वहीं साइबेरियन हस्की डॉग ब्रीड का ओरिजिन रशिया से है। अब साइबेरियन हस्की की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इन्हें चकचिस नाम के सेमी नोमैडिक लोगों ने डेवलप किया और इसी ट्राइब के लोगों ने हस्कीज को स्लेजिंग के लिए ट्रेन किया और फिर अलास्कन गोल्ड रश के दौरान साइबेरियन हस्की डॉग्स को ही एज अ लेबर यूज़ किया जाता था क्योंकि ये स्नो पे भी काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं और फिर बाद में हस्कीज़ को डॉग रेसिंग में इस्तेमाल किया जाने लगा। और अगर बात करें अलास्कन मैलाम्यूट्स के हिस्ट्री के बारे में तो इन्हें भी एक ट्राइब ने डेवलप किया था जिसका नाम इनुइट है। इन्हें भी स्लेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है मगर ये डॉग हस्की के मुकाबले धीरे दौड़ते हैं, मगर ये डॉग्स हस्की के मुकाबले ज़्यादा वेट भी कैरी कर सकते हैं। मैलाम्यूट को इनुइट ट्राइब के लोग पोलर बियर्स और सील्स के शिकार में यूज़ करते थे। अलास्कन मैलाम्यूट और साइबेरियन हस्की दोनों ही डॉग ब्रीड्स प्योर ब्रेड होती है और दोनों ही डॉग ब्रीड्स वर्किंग डॉग ग्रुप को बिलोंग करती है, लेकिन अलास्कन मैलाम्यूट लार्ज साइज डॉग्स होते हैं और वहीं साइबेरियन हस्की मीडियम साइज डॉग्स होते हैं। इन दोनों डॉग ब्रीड्स के हाइट को कंपेयर करें तो अलास्कन मैलाम्यूट डॉग ब्रीड में मेल डॉग्स की एवरेज हाइट 24 से 26 इंचेस होती है और वहीं फीमेल डॉग्स की एवरेज हाइट 22 से 24 इंचेस होती है। वहीं साइबेरियन हस्की में मेल डॉग्स की एवरेज हाइट 21 से 24 इंचेस होती है और वहीं फीमेल डॉग्स की एवरेज हाइट 18 से 20 इंचेस होती है। और अब इन दोनों डॉग्स का वेट कंपैरिजन देखें तो अलास्कन मैलाम्यूट डॉग्स में मेल्स का एवरेज वेट 36 से 47 किलो होता है और वहीं फीमेल्स का एवरेज वेट 32 से 38 किलो होता है। साइबेरियन हस्की डॉग्स का एवरेज वेट मेल्स में 20 से 27 किलो होता है और वहीं फीमेल्स में 16 से 23 किलो होता है। इन दोनों डॉग्स के अडैप्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये दोनों ही डॉग इंडियन वेदर के लिए सूटेबल नहीं है, पर फिर भी कई लोग इन्हें पालते हैं। ये डॉग्स कोल्ड वेदर के लिए बने हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से फर्स्ट टाइम ओनर और बच्चों के लिए कौन सी डॉग ब्रीड सही है, तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी डॉग फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए नहीं है। अगर आपने इससे पहले कोई डॉग पाला है तो आपके लिए इन्हें कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और बच्चों के लिए अलास्कन मैलाम्यूट ज़्यादा अच्छे होते हैं साइबेरियन हस्कीज़ के मुकाबले। अलास्कन मैलाम्यूट डॉग ब्रीड शेडिंग के मुकाबले में साइबेरियन हस्की से आगे है क्योंकि मैलाम्यूट्स के पास डबल कोट होता है जिसमें से इनका अंडर कोट ऑयली, वुली और थिक होता है और वहीं इनका आउटर कोट भी मोटा होता है जो कि इन्हें ठंडे मौसम में गर्म रखने के काम आता है। साइबेरियन हस्कीज भी शेड करते हैं और इनके पास भी डबल कोट होता है जिसमें कि इनका अंडर कोट डेंस होता है और इनका अपर कोट शॉर्ट हेयर्ड होता है और इनकी ग्रूमिंग नीड्स भी मॉडरेट होती है, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार इनका कोट ब्रश कर देने से ज़्यादा शेड नहीं करते। साइबेरियन हस्कीज अलास्कन मैलाम्यूट डॉग से ज़्यादा पॉपुलर है। साइबेरियन हस्कीज मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की रैंकिंग में 12th रैंक पे है और वहीं अलास्कन मैलाम्यूट डॉग ब्रीड 59th रैंक पे है। दोनों डॉग्स के कोट कलर्स के बारे में बात करें तो अलास्कन मैलाम्यूट्स कई शेड्स में मिलते हैं जैसे कि वाइट एंड सिल्वर, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट एंड रेड एंड वाइट, और वहीं साइबेरियन हस्कीज के भी कई शेड्स होते हैं जैसे कि ग्रे एंड वाइट, रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट एंड मेनी मोर। और अब इन दोनों डॉग ब्रीड्स के टेम्परमेंट को देखें तो हस्कीज अलर्ट, फ्रेंडली, लविंग, इंटेलिजेंट और कभी कभी थोड़े ज़िद्दी भी बन जाते हैं और ये डॉग बच्चों के साथ काफ़ी प्लेफुल और फ्रेंडली होते हैं। अलास्कन मैलाम्यूट्स भी फ्रेंडली और प्लेफुल होते हैं बट ये थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं और ये दोनों ही डॉग ब्रीड ज़्यादा बाक नहीं करते। इन दोनों डॉग्स के लाइफ स्पैन को कंपेयर करें तो अलास्कन मैलाम्यूट्स का एवरेज लाइफ स्पैन 10 से 12 साल का होता है और वहीं साइबेरियन हस्कीज़ का एवरेज लाइफ स्पैन 11 से 13 साल का होता है। और इन दोनों डॉग्स के लिटर साइज को कंपेयर करें तो अलास्कन मैलाम्यूट्स का एवरेज लिटर साइज 4 से 10 पपीज़ का होता है और वहीं हस्कीज़ का एवरेज लिटर साइज 6 से 8 पपीज़ का होता है। इंडिया में इन दोनों डॉग्स के पपीज़ की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो साइबेरियन हस्की आपको 40,000 से 60,000 के अराउंड मिल जाएंगे और अलास्कन मैलाम्यूट्स के पपीज़ के प्राइस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये डॉग आपको 80,000 या उससे ऊपर के रेट में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने कंपेयर करा दो कोल्ड क्लाइमेट डॉग ब्रीड्स को, अलास्कन मैलाम्यूट और साइबेरियन हस्की। अगर आपको ये डॉग कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की कोई वीडियो देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।